भारत किश्तवाड़। आज हमारे साथ बात करने के लिए फार्मर एमएलसी फिरदौस अहमद टाक साहब, आज सबसे ही बात करेंगे। जनाब आपका खैर मकदम है, क्या बताना चाहिए? देखिए, 24 साल हो गए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तश्कील हुए हुए, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक कम अरसा में न सिर्फ जम्मू कश्मीर में अपनी एक छाप बनाने में कामयाब हुई है, हम दो बार हुकूमत बना चुके हैं, हम अपोजिशन में भी एक कलीदी किरदार निभा चुके हैं, और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह लगातार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे हमले हुए और इस मुल्क का हर रिसोर्स और हर मेथड अपनाया गया कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को यहाँ की सियासी नक्शे से ख़त्म किया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वर्करान हैं, जो हमदर्द हैं और जो जम्मू कश्मीर की सियासत पर नब्ज़ रखते हैं, उनकी मेहनतों और उनकी काविशों का नतीजा है कि आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी टांगों पर खड़ी हो चुकी है, और आज पूरे रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ये मान चुकी है कि पीडीपी की जो बात है वो जम्मू कश्मीर की बात है। सेंसिटिव एरिया है, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन हमने हमेशा इस बात को बावर किया है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा यहाँ पर अमन अमान के लिए काम करती है, यहाँ के भाईचारे के लिए काम करती है, और हम कभी भी कोई ऐसा कदम उठाएंगे नहीं जिससे यहाँ के भाईचारे में, अमन में या लाइन ऑर्डर में कहीं दिक्कत आ जाए। आज भी सुबह जब हम लोग जमा हुए, हमने पहले तो अपना पूरा प्रोग्राम जो है वो कट शॉर्ट किया, क्योंकि आज हमारे यहाँ एक बहुत ही नौजवान और एक अजीज़ की डेथ हुई जिससे पूरा इलाका ढह गया। इसके चलते हमने पहले तो ये सोचा था कि हम प्रोग्राम ही नहीं करेंगे, लेकिन चूँकि जो बैरूनी इलाके हैं वहाँ से हमारे वर्करान आ चुके थे, तो हमने ये कहा कि हम एक छोटा सा राउंड जो है वो सिटी का लगा के हम कंक्लूड करेंगे। लेकिन कुछ ऑफिसरान को लगता है कि वो लॉयल देन द किंग हैं, उनको लगता है कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जब उलझेंगे या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को रोकेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उनके जो है वो ज़्यादा होंगे और उनकी पोस्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए उनको मदद होगी। तो ठीक है, अगर पीडीपी के सहारे आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहना चाहते हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन मैंने पुलिस से भी ये बात की, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बताया, देखिए हम लोग, और आपने देखा भी होगा, हमने जब रैली निकाली हमने बाज़ेबता हर रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया, हमने कहीं भी ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन नहीं की, हम कहीं भी इसलिए नहीं रुके कि वहाँ पे रुकने से जो लोगों को प्रॉब्लम आ जाए, बिजनेस कम्युनिटी को प्रॉब्लम आ जाए, जो कम्यूटर्स हैं उनको प्रॉब्लम आ जाए, और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से हमने रैली निकाली। सर, जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा पार्टी इलेक्शन को लेकर काफ़ी तेज़ी से काम करी, खासतौर पर पंचायती इलेक्शन या फिर म्यूनसिपल्टी की अगर हम बात करें, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की किस तरह से तैयारियाँ जम्मू कश्मीर या किश्तवाड़ के अंदर हो रही हैं? देखिए, हम एक सियासी जमात हैं, इलेक्शन लड़ना जो है वो हमारा बेसिक मेथड है कोई भी लोगों की रिप्रेजेंटेशन करने का, और जहाँ दूसरी सियासी जमातें तैयारी कर रही हैं वहाँ हम भी पूरे जम्मू कश्मीर में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे, चाहे पंचायत को लेकर है या म्यूनसिपल इलेक्शंस को लेकर है या आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस को लेकर है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और जब भी इलेक्शन अनाउंस होते हैं हम पूरी तरह से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सर, किश्तवाड़ के आई दिन यहाँ पे हॉस्पिटल्स को लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपकी जो सरकार किश्तवाड़ के अंदर भी रहे, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बात करें हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ को लेकर, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होने के बावजूद भी नहीं है, तो क्या अब हम लोग उम्मीद रखें? लोगों ने कई बार आपसे भी दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से भी, बाकी तमाम सियासतदानों से, लेकिन यहाँ के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। आखिरकार वो जो पोस्ट है यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की जो पोस्ट वेकेंट है वो कब फिल होगी? देखिए, रेडियोलॉजिस्ट में जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज है, देखिए हमारे ज़िला अस्पताल की हालत हमेशा से खस्ता रहेंगे, और हम बार बार हर प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को उछालते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, जो पोस्ट सेंक्शन होनी चाहिए थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो सेंक्शन नहीं है, अगर यहाँ पे बी ग्रेड स्पेशलिस्ट को पोस्ट भी किया गया है लेकिन आप रात को इमरजेंसी में जाइए, देखिए अभी एक डेथ हुई, जीआई ब्लीड पेशेंट को था लेकिन वहाँ पे एक सिंपल मेडिकल ऑफिसर शाम को मौजूद था, जबकि सर्जन या फिजिशियन स्पेशलिस्ट वहाँ पे होना चाहिए जो अर्ली डायग्नोसिस करके पेशेंट की जान बचा सके।
लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होती है और बाद में जो कसूर है वो पेशेंट के अटेंडेंस पे चढ़ता है। और हम आए रोज़ देखते हैं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में क्या हो रहा है, कैसे पेशेंट जो है वांट ऑफ मेडिकल अटेंशन या नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर से हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स तैनात हैं वो भी ओवरबर्डन हो सकते हैं, लेकिन जब तक हम कदगन नहीं लगाएंगे प्राइवेट प्रैक्टिस पर। देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स हैं 95% हमारे लोकल डॉक्टर्स, हमारे अपने हैं, हमारे अपने अजीज़ हैं, लेकिन उनको भी समझना चाहिए। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। फॉर्चुनेटली हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड जो है, डिप्टी कमिश्नर है, वो खुद भी एक डॉक्टर है और इस मुल्क के बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में वो काम करके आए हैं। उन्होंने भी एक दो बार दौरा किया, हमें लगा कि शायद वो इस सिस्टम को सुधार पाए, लेकिन बस एक तो सेरेमोनियल दौरा करने के बाद उसके बाद वो भी खामोश हो गए। मेडिकल सुपरिटेंडेंट शुड बी आंसरेबल कि रात को कितने फिजिशियंस जो हैं वो रोड पे हैं, रात को कितना सर्जन जो हैं वो रोड पर हैं, रात को गायनेकोलॉजिस्ट कौन जो है वो रात को है। आप ऐसा नहीं, आप पेशेंट आएगा मेडिकल, हर बंदा जो है वो बस मेडिकल ऑफिसर से ट्रीट नहीं होगा, आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए स्पेशलिस्ट शुड ऑलवेज बी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। नाकामी किन की है, नाकामी किसकी? देखिए नाकामी सिस्टम की है और ये सिस्टम ये दो दिन में ठीक होने वाला नहीं, ये बहुत देर से इन्फ्यूज़ हुआ है। लेकिन जब हम थे, मैं अपनी बात करूँ, जब मैं एज मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल था, हमने गवर्नमेंट से कहकर यहाँ पर दो सर्जन, दो फिजिशियन, दो रेडियोलॉजिस्ट इस वक्त यहाँ पर मौजूद था। रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट ना होने के बावजूद भी दो रेडियोलॉजिस्ट इस वक्त यहाँ पर पोस्टेड थे। लेकिन अब देखिए आपने ये सवाल, जो आज की हुकूमत है, जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है, और ख़ासकर लोगों को हम बार बार कहते हैं कि बात करना सीखिए, आप अपने मसाइल हल आप करवाने के लिए बात करेंगे तो कोई मारेगा, कोई पीएसए नहीं लगाएगा आपको। लेकिन जब आवाम बात ही नहीं करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा सब ठीक ठाक है और जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो मुझे कर रहे हैं। तो आवाम को बात करनी चाहिए, आवाम के जो नुमाइंदे हैं उनको बात करनी चाहिए। हम तो कोशिश करते हैं हर